3, 2, 1. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आईटी टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं दूसरा कटिंग औजार हमारा हेक्सा फ्रेम एंड ब्लेड। तो आज हेक्सा के बारे में बात करते हैं। हेक्सा क्या होता है, इसके कितने भाग होते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। तो हेक्सा क्या होता है दोस्तों, धातु एवं अन्य कठोर पदार्थों को काटने वाला दस्ती औजार यानी हैंड टूल हेक्सा कहलाता है। धातु एवं अन्य कठोर पदार्थों को काटने वाला जो हैंड टूल्स का प्रयोग किया जाता है वो हेक्सा कहलाता है। हेक्सा के क्या क्या भाग होते हैं, हेक्सा में क्या क्या भाग होते हैं, इसमें मुख्य दो भाग होते हैं, हेक्सा फ्रेम और हेक्सा ब्लेड। हेक्सा फ्रेम कितने प्रकार के होते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हेक्सा फ्रेम कितने प्रकार के होते हैं, इसमें क्या क्या भाग होते हैं, ये देखिए दोस्तों। हेक्सा फ्रेम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिक्स फ्रेम और एक एडजस्टेबल फ्रेम होता है। हेक्सा फ्रेम में निम्न भाग होते हैं। हेक्सा फ्रेम दो प्रकार के होते हैं, एक जो होता है अचल फ्रेम मतलब फिक्स फ्रेम और समायोजनीय फ्रेम मतलब एडजस्टेबल फ्रेम। हेक्सा फ्रेम निम्न भाग के होते हैं दोस्तों, फ्रेम, हैंडल क्लैंप एंड ब्लेड होल्डर, गाइड और ब्लेड होल्डर स्क्रू, विंग नट। मैं इसके बारे में बताता हूँ डिटेल में, विंग नट क्या होता है, फ्रेम क्या होता है, हैंडल क्या होता है। अभी आप देखिए टिप्पणी, जो एडजस्टेबल प्रकार का हेक्सा फ्रेम में विभिन्न लंबाइयों के हेक्सा ब्लेड लगाने के लिए फ्रेम की प्रभावी लंबाई को घटाने बढ़ाने की व्यवस्था होती है। जो एडजस्टेबल प्रकार एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम होता है दोस्तों, तो उसमें क्या है, अगर ब्लेड किसी भी साइज का हो उसमें फ्रेम को एडजस्ट करके ब्लेड को हम फिट करते हैं। तो हेक्सा ब्लेड कितने प्रकार के होता है, हेक्सा ब्लेड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑल हार्ड ब्लेड, एक फ्लेक्सिबल ब्लेड। ऑल हार्ड ब्लेड और फ्लेक्सिबल ब्लेड, ऑल हार्ड ब्लेड है, इस ब्लेड के छिद्र वाले भागों के अतिरिक्त पूरा ब्लेड कठोर होता है, हार्ड होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब जो जहाँ पे ब्लेड हेक्सा फ्रेम में लगता है वो छिद्र वाला जो भाग है वो ओनली सॉफ्ट रहता है, बाकी का पूरा भाग हार्ड रहता है। फ्लेक्सिबल ब्लेड, इस ब्लेड को का केवल दांतों वाला भाग कठोर होता है, सामान्य प्रयोग के लिए इसी प्रकार का ब्लेड प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह छोटी छोटी धात्विक वस्तुओं को सुगमता से काट सकता है और आड़ी अथवा हल्की गोलाई में भी कटिंग कर सकता है, आड़ी एवं हल्की गोलाई में भी यह कटिंग कर सकता है। हेक्सा ब्लेड किस धातु से बनाया जाता है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, हेक्सा ब्लेड किस धातु को बनाया जाता है। ये हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, टंगस्टन स्टील से बनाया जाता है। ये हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और टंगस्टन स्टील से बनाया जाता है और दांतों की प्रति इंच संख्या के आधार पर कितने प्रकार के हेक्सा ब्लेड होते हैं। दांतों की प्रति इंच संख्या के आधार पर हेक्सा ब्लेड मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं, कोर्स ग्रेड 14 से 18 दांत एक इंच में होता है दोस्तों, 25 मिलीमीटर के अंदर 14 से 18 होते हैं कोर्स ग्रेड में। कोर्स ग्रेड जो दांत होते हैं उसमें 14 से 18 दांत प्रति इंच में होते हैं और मीडियम ग्रेड 20 से 24 दांत प्रति इंच, एक इंच में 20 से 24 दांत होते हैं और 25 मिलीमीटर में 20 से 24 दांत होते हैं। फाइन ग्रेड हेक्सा ब्लेड जिसमें होता है 24 से 30 दांत प्रति इंच में होता है और 25 एमएम में 24 से 30 दांते होते हैं फाइन ग्रेड हेक्सा ब्लेड में। सुपर फाइन ग्रेड इसमें 30 से 32 दांते प्रति इंच में होता है, मतलब एक इंच में 30 से 32 दांते होता है, उसे सुपर फाइन ग्रेड ब्लेड कहते हैं। हेक्सा ब्लेड के संदर्भ में दांतों की सेटिंग से क्या अभिप्राय है। हेक्सा ब्लेड के दांते निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत मध्य स्थिति से थोड़ा बाईं ओर या दाईं ओर मुड़े होते हैं। जो हेक्सा ब्लेड दांते होते हैं वो दाएं और बाएं ओर थोड़े थोड़े मुड़े होते हैं, जिसे दांतों की सेटिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया का लाभ यह होता है कि जाब पर कटिंग करते समय ब्लेड जाब के खांचों में नहीं फंसता और उसे क्लीयरेंस मिलता रहता है। अगर दांते थोड़ा सा जो दाएं और बाएं और मुड़ा हुआ रहता है दोस्तों, उससे यह लाभ होता है कि जो इस जॉब पे हमने हेक्सा ब्लेड चलाना चालू किया, अगर वो सीधा सीधा स्ट्रेट दांते रहेंगे तो जॉब में फंस जाएगा और ब्लेड टूट जाएगी।
लेकिन दाएं और बाएं होने से जॉब में यह नहीं फंसता और इसमें क्लीयरेंस काफ़ी मिला रहता है, जिसकी वजह से एक्सरवेट काफ़ी देर तक इसका लाइफ रहती, काफ़ी देर तक इसकी लाइफ रहती है और यह जॉब को पूरी तरह काट सकता है और एक हेक्सा ब्लेड से आप कई जॉब काट सकते हो। अगर स्ट्रेट रहेगा तो एक ही जॉब में ही तुरंत ही कट जा टूट जाएगा। हेक्सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने की कितनी विधियां हैं? इसकी निम्न तीन मुख्य विधियां हैं, सिंगल सेटिंग या नियमित सेटिंग, डबल अल्टरनेट सेटिंग, जिगजैग सेटिंग व वेब सेटिंग। सिंगल सेटिंग व रेगुलर सेटिंग पहला है दोस्तों, ठीक है, और दूसरा है डबल अल्टरनेट सेटिंग, जिगजैग सेटिंग व वेब सेटिंग, तीसरा है हेक्सा ब्लेड के दांतों की सिंगल कटिंग विधि क्या है। इस विधि में एक दांता बाईं ओर और मोड़ा जाता है, इसके बाद एक दांता सीधा छोड़कर तीसरा दांता दाईं ओर मोड़ा जाता है, इस प्रकार हर पांचवा दांता बाईं ओर मोड़ा जाता है। हेक्सा ब्लेड के दांतों की डबल अल्टरनेट सेटिंग विधि क्या है? इस विधि में क्रमशः दो दांते बाईं और दो दांते दाईं ओर मोड़े जाते हैं। हेक्सा ब्लेड के दांतों की जिगजैग सेटिंग के बारे में क्या जानते हैं आप? इस विधि में क्रमशः चार से पांच दांते बाईं ओर और फिर चार से पांच दांते दाईं ओर मोड़े जाते हैं। इस प्रकार के ब्लेड दांतों की लहर मतलब वेब सी दिखाई देती है, लहर सी दिखाई देती है, इसलिए इसे जिगजैग सेटिंग और वेब सेटिंग कहते हैं। जो जिगजैग वाली हेक्सा ब्लेड होती है दोस्तों, इसमें लेयरदार दांतें बन जाती हैं, इसलिए से जिगजैग सेटिंग कहते हैं। हेक्सा ब्लेड की लंबाई कैसे नापी जाती है? हेक्सा ब्लेड के दोनों सिरों पर छिद्र बने छिद्र के बीच की दूरी हेक्सा ब्लेड की लंबाई होती है। हेक्सा ब्लेड की लंबाई को थोड़ा ध्यान में दिमाग बैठा दोस्तों, इसकी जो लंबाई रहती है वो जो दोनों साइड छिद्र बने होते हैं वहाँ से इसके माप लिया जाता है। हेक्सा ब्लेड की लंबाई कैसे नापी जाती है? हेक्सा ब्लेड के दोनों सिरों पर बने छिद्रों मतलब पिन होल है, उनके बीच की दूरी हेक्सा ब्लेड की लंबाई कहते हैं। हेक्सा को किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए? हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को इस प्रकार कसें कि वह आगे की ओर गति करते समय धातु काटे, मतलब हेक्सा ब्लेड की दांतें हमेशा आगे की ओर होना चाहिए। प्रारंभ में बाएं हाथ के अंगूठे की सहायता से जाब पर हल्का सा कट लगाएं, जाब कट कुछ गहरा हो जाए हेक्सा को दोनों हाथों से चलाएं, हैंडल को दाएं हाथ से तथा फ्रेम के अग्र भाग को बाएं हाथ से पकड़ें, जाब पूरी कटने के निकट हो तो हेक्सा की गति धीमी कर दें। हेक्सा प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए? हेक्सा ब्लेड का चयन करनी चाहिए काटी जाने वाली धातु के अनुसार हेक्सा ब्लेड का चयन करना चाहिए। कठोर धातु के लिए डबल अल्टरनेट सेटिंग ब्लेड तथा नर्म धातु के लिए सिंगल सेटिंग ब्लेड प्रयोग करना चाहिए। हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को ना तो ढीला रखना चाहिए ना ही बहुत टाइट रहना चाहिए। जब जाब को बाक मतलब वाइस में अधिक ऊंचा रखते हुए नहीं कसना चाहिए, अन्यथा वह कटिंग के समय वह कंपन करने लगेगा। मशीन सीट काटते समय सीट एवं दोनों ओर लकड़ी के टुकड़े गुटके का प्रयोग करना चाहिए। सीट में काट रहे हो दोनों साइड लकड़ी के गुटके लगा देना चाहिए वाइस में, फिर बीच में सीट रख के हेक्सा का प्रयोग करना चाहिए। कटिंग हो जा रही है यदि कार्य करते समय किसी कारण से ब्लेड टूट जाए तो उसके स्थान पर दूसरे पुराने ब्लेड को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि नए ब्लेड प्रयोग करोगे तो वह खांचे में फंसकर टूट सकता है। गहरी सेटिंग करते समय कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। हेक्सा ब्लेड की आगे की ओर गति में तना दबाव डालना चाहिए। हेक्सा फ्रेम आगे की तरफ फॉरवर्ड चलाते हो तो तब दबाव डालना चाहिए दोस्तों। सामान्य प्रकार के हेक्सा ब्लेड की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 300 मिलीमीटर से मतलब 300 मिलीमीटर होती है 12 इंच। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा और हमें जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत ही मिल जाए। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा तभी ताकि सभी लोगों को मिल जाए। मैं इसके आगे का जो वीडियो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसके आगे क्या क्या होता है, कौन कौन से हमारा लेसन है, इसके आगे की वीडियो में आपको मिल जाएगा और आपको अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।